मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाया जाता है, भोंगे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा महाराष्ट्र में और हमारे पूरे देश में अभी हो रही है। जो भोंगे लगाते हैं, लाउड स्पीकर काफ़ी बड़े बड़े आवाज़ में लगाते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल, उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। क्या होता है कि 70 डेसिबल तक का जो नॉइज़ है वो ठीक है, जैसा जैसा नॉइस जो है 70 डेसिबल के ऊपर जाता है तो बहरापन आ सकता है, कान को वो हानि पहुंचा सकता है, जितना ज़्यादा होता है होते जाएंगा उतना। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि 85 डेसिबल के ऊपर जब वो जाता है तो डेफिनेटली बहरापन आ सकता है, और 120 के ऊपर जाता है तो तीव्रता से बहुत जल्दी बहरापन आपको आ सकता है। अब ये तो हो गया बहरापन का, हियरिंग लॉस। उसके साथ साथ देखिए कि मानसिक जो आरोग्य है, मानसिक स्वास्थ्य जो है, उसके ऊपर क्या दुष्परिणाम होता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो हरदम आवाज़ का निरीक्षण करते रहता है नींद में भी, और कोई आवाज़, समझो कोई ऐसे खतरे का आवाज़ है जहाँ से डेंजर हो सकता है, वो हमारा भेजा जो है दिमाग, वो तुरंत उसको पहचानता है। बड़ा आवाज़ यदि आता है तो उससे आदमी घबरा जाता है, बड़े आवाज़ से चिंता तनाव निर्माण होता है। यदि बार 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ यदि आप सुनते हैं तो हम उसके बारे में, मतलब स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस के लिए हम ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, मतलब स्ट्रेस जल्दी आ सकता है। बड़े बड़े आवाज़ में लाउड स्पीकर सुनना, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकता है। जो लोग कंटिन्यूस वो आवाज़ के संपर्क में आते रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा आवाज़ की जगह पर रहते हैं, उनको चिड़चिड़ा बनाना, गुस्सा आना, निराशा आना, ऐसा होता है, और वो कभी भी उनका मानसिक स्वास्थ्य टूट सकता है। देखिए ना, जहाँ बहुत आवाज़ चल रही है, समझो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, बहुत आवाज़ चालू है, अनाउंसमेंट चालू है, ट्रेन में आप जा रहे हैं वहाँ बहुत आवाज़ चालू है, या कोई भी ऐसी जगह है, समझो आप कोई शादी में जाते हैं वहाँ बहुत बड़े आवाज़ से लाउड स्पीकर लगाए गए, या कोई धूमधाम से कोई मतलब बारात जा रही है या कोई और प्रोसेशन जा रही है, वहाँ से आवाज़, तुमको लगता है कि यार ये नहीं होना, शांति की जगह जाओ, ऐसा लगता है। ह्यूमन बीइंग हरदम शांति जो है ना, वो चाहता है, और जब ऐसा कंटिन्यूसली आवाज़ चालू है और कंटिन्यूस रोज के रोज आवाज़ सुबह सुबह सुनाई आ रही है, तो डेफिनेटली वो इरिटेट करता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसमें उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस, उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ये ज़्यादा आवाज़ के धोखे हैं, और डेफिनेटली इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ निर्णय लेना चाहिए, और जो भी कुछ है वो कैसे रेगुलेट हम कर सकते हैं और जिससे लोगों का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, उसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।